आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और ईबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के आज के मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्विकली जिस ग्राउंड पे आज का मुकाबला होना है उस ग्राउंड की थोड़े से वेदर अपडेट और ग्रास के बारे में जानकारी दे दूं आपको। तो थोड़ा सा हफ्ते की बहुत लड़खड़ाती हुई शुरुआत, कल प्रेशर माउंट हुआ था भारतीय बाजारों में, वो ग्लोबल कंसर्न्स के बीच में, रिस्क ऑफ ट्रेड्स के बीच में। यूएस में मैसिव सेल ऑफ, ये आया फ्राइडे के उस आधे से 1% के दबाव के ऊपर। 600 पॉइंट डाउ जोन्स, 225 पॉइंट नैसडैक परसेंट, इस तरह का प्रेशर। पर ये जो दबाव है बहुत लार्जली हम पचा के गए। 550-560 पॉइंट कल 3:30 बजे जब हम क्लोज हो रहे थे, डाउ फ्यूचर्स ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे थे। तो मोटा मोटी ये सब डाइजेस्टिव। अच्छी बात, आज सुबह वो स्क्रीन पे नजर ना आए शायद, डाउ फ्यूचर्स अब दिखा रहे हैं कि भाई दो दिन के वहां के तगड़े सेल ऑफ के बाद शायद आज 150 पॉइंट ऊपर शुरुआत होती हुई नजर आए। एशिया में बहुत सारे मार्केट्स बंद हैं, जो खुला है वो हमारा एसजेक्स निफ्टी है। दिखाइए भाई, कल के प्रेशर के बाद इंडिकेशन तो वहां से भी है कि थोड़ी सी रिकवरी उस डाउ फ्यूचर्स को देखते देखते हम दिखाएंगे, 0.25% ऊपर। लेकिन अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं। वो फेड की मीटिंग का आउटकम सामने है, वो एवरग्रैंडे यानी कि चाइना का वो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट मेजर, उसके वो रीपेमेंट शेड्यूल सामने आना है, भुगतान कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इफ्स एंड बट्स अभी भी है, पर एक माइनर सा बाउंस स्क्रीन पर नजर आ रहा है, शायद वो मंगलवार का चुंबकीय शक्ति होगी। पिच कैसी है इस बाउंस बैक के बाद, क्या माहौल कैसा है? देखिए, अगर पॉजिटिव नोट पे देखें तो जो अमेरिकी बाजार कल गिरे और आखिरी आधे घंटे कह सकते हैं, उस आधे घंटे में ठीक ठाक रिकवरी वहाँ पे 300 पॉइंट की हुई, वो रिकवरी और अब डाउ फ्यूचर्स मजबूत, और अब डाउ फ्यूचर हुई। नैसडेक एक समय 3.5% गिरा और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया। तो ग्लोबल मार्केट में पूरा जो कल एक कारनेज हुआ है उसमें क्या डेड कैट बाउंस बोलते हैं ना आप लोग? नहीं, मैंने तो गिरी मरी बिल्ली देखी नहीं, गिरी तो बोलते हैं आप लोग मतलब तो एक बाउंस आपको मिल सकता है, लेकिन मार्केट में कोई बहुत बड़ी रैली हो जाएगी ऐसा नहीं होने वाला। ये बिल्कुल निकाल दिए कि यहाँ कोई बहुत बड़ा बम्पार तेजी हो जाएगी, पूरा रिकवरी ऐसा कुछ नहीं होगा। रिकवरी थोड़ी सी हो सकती है, वोलेटाइल मार्केट देखेगा। पिच इंडिकेट ये कर रही है कि कुछ जगहों पे अच्छी आपको बैटिंग करने के मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आपने वो बॉल मिस की तो आप सीधे क्लीन बोल्ड मिडिल स्टंप उड़ेगा आपका। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत सिलेक्टेड पॉकेट में आपको बाइंग करनी है, या फ्रेश शॉट भी बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का बहुत ही ठंडा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा आज के दिन में, इसलिए पिच को उसी हिसाब से प्ले करना चाहिए। क्योंकि ये एवरग्रैंड वाला इशू है, मैं नहीं मानता कि ये कारण है, लेकिन ये ट्रिगर जरूर था ये कल। बाकी जो फेड की बैठक होने वाली ना असली वो है, तो ये पूरा हफ्ता ऐसे ही जाएगा, आज एक रेंज में मार्केट रहेगा। हाँ, वो लीमैन क्राइसिस से कंपैरिजन से बकवास है, पर ये जरूर हो सकता है कि एक चाइना के स्लोडाउन के कंसर्न जरूर इमिनेंट हो सकते हैं। वो ठीक है, वो देखते हैं कैसा प्ले आउट होता है। अभी तो बहाना बन गया है वो थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल ले जाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत सेलेक्टिवली अपने रिस्क का असेसमेंट करते ही आज बाजार में उतरिएगा। मैं लार्जली लाया हूँ सारे बाय कॉल, नीरज जी के पास में बहुत बढ़िया सेल के तबके, तो स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा ओपनिंग के बाद। अगर कोई रफ पैच हिट हो रहा है उसके बाद लग रहा है प्रॉफिट टेकिंग वापस आ रही है या वापस सेल ऑफ आ रहा है, छोड़ दीजिएगा बाय कॉल। अगर लगे मोमेंटम पिकअप हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा सेल कॉल्स। ये आपको स्क्रीन को गॉच करना पड़ेगा। एनीबॉडी इज गेस बाजार कैसा पैन आउट होना है, स्क्रीन ही बताएगी वो। शुरुआत खरीदारी करने के कॉल्स के साथ, जिसमें सबसे पहले तो कोलते पाटिल है, चाइना के प्रॉपर्टी मेजर का इश्यू है और यहाँ पे रियल एस्टेट से शुरुआत कर रहा हूँ। इनको लेना देना नहीं है, हमारा रियल एस्टेट स्वीट स्पॉट पे। मैं इसको क्यों, कल DIIs ने, हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह ने 1600 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, पर कहीं तो खरीदारी भी करी है और उस खरीदारी को टैप करने की कोशिश है। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने कल कोलते पाटिल डेवलपर्स के 5,00,000 शेयर्स 315 पर उठाए। ये स्टॉक कल के प्रेशर में क्लोज ही 310 के आसपास हुआ, तो जहां वो मैसिव खरीदारी हुई है उससे नीचे मिल रहा है हमको। अब ये PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड क्या है, तो मैंने भी ढूंढा भाई, दुनिया के टॉप 10 इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में से एक। अब आसान शब्दों में समझिए, US बेस्ड जो प्रूडेंशियल फाइनेंशियल है, जानी मानी एंटिटी, उसका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बिजनेस आता है इसके अंदर, और उसने उस आम ने दरअसल 5,00,000 शेयर्स कल खरीदे 315 पर। कुलदीप पाटिल को रखेंगे,
किसी भी वजह से दबाव आ रहा है तो मेरा कंफर्ट और बढ़ जाएगा, दिग्गज इन्वेस्टर जहां इन्वेस्ट कर रहा है उससे नीचे मिल रहा है, होपफुली जब बाउंस बैक आएगा तो बढ़िया बाउंस बैक मिलेगा, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। अंबालाल साराभाई इंटरप्राइजेस मैंने मेंशन कर रहा हूं पिछले दो चार दिनों से, और इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत तगड़ा कर, ये पहाड़ बना था, पहाड़ बनाने का काम इन्होंने ही किया था जब वो ब्लैक कौन सी वो ब्लैक फंगस की दवा और क्या मैसिव तेजी आई, उसका जैसे जैसे कोविड ठंडा पड़ा उस पहाड़ वापस ढलान आ गई। अब खबरों का सिलसिला वापस तूल पकड़ रहा है, तो इनकी जो सब्सिडरी है उसको लेकर खबरें आना, फिर इनकी जो सॉल्ट है उसको जीएसटी काउंसिल से और एक्सटेंशन मिल जाना, ये सब बढ़िया हो रहा है। और खास तौर पे इसकी जो सिम्बायोटिक सब्सिडरी अमेरिका की जेवी में वो बहुत अच्छा कर रही है, डायग्नोस्टिक आरटीपीसीआर टेस्ट और किट्स वगैरह चिकनगुनिया डेंगू सब के आते जा रहे हैं एक एक करके, अच्छा ट्रैक्शन पकड़ी 33.5 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करने के मौके। और तीसरा है करनेक्स माइक्रोसिस्टम, ये सब छोटे छोटे स्टॉक हैं भाई, स्टॉप लॉस लगा के करिएगा और स्क्रीन देखिएगा। हालांकि इसका 94-95 का साल के हाइज है, क्यों मेंशन कर रहा हूं, यहाँ पे एक्वायरर एक हैं जिन्होंने 11 लाख शेयर्स इस कंपनी की इक्विटी का हो गया 8-9% के आसपास का हिस्सा वो खरीदा, और उसके बाद ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया है, तो कल वो अपडेट आए 32.5 लाख शेयरों का, यानी कि इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 26% का ओपन ऑफर आ रहा है 74.50 पे। ये स्टॉक अभी 62 पे है, तो बढ़िया कोई बाइंग कर रहा है स्टॉक में, उसके बाद एग्रेसिव ओपन ऑफर ला रहा है, करने से रडार पर रखेंगे। छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कह लीजिए, तो ध्यान रखिएगा 64-65 के टारगेट, छोटे छोटे टारगेट। और एक बात बहुत आपने सही कही, बेबी स्टेप्स, आज वो आज उसी की जरूरत है। और आज स्टॉप लॉस दिमाग में रखिएगा हर समय, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रह सकता है। मैंने कोशिश ये की है कि दो सेक्टर खास तौर पर पकड़, एक सेक्टर क्या है वो बंच ऑफ सेक्टर है जिसमें बहुत चले हुए स्टॉक है, मुझे लगता है वहाँ प्रॉफिट बुक होगा। पहला स्टॉक तो मैंने टाटा मोटर्स लिया है, इसलिए लिया है, देखिए यूएस में, यूके में, दूसरी कंट्रीज में तेज़ गिरावट हुई, और चाइना में तो अभी मार्केट खुला नहीं है, बुधवार को खुलेगा तब वहाँ पर राउट दिखेगा, और इनका धंधा बड़ा उधर ही इधर इधर उधर है। पॉइंट ये है कि देखिए मेटल में एक भयानक गिरावट देखने को मिली, एल्युमिनियम लाइफ हाई से नीचे आ गया है, आयरन ओर की प्राइस 50% से भी नीचे चली गई है, तो उसके वजह से जो कीमतों पर असर पड़ा है उसका असर आपको दिखेगा, और मार्केट में जो प्रॉब्लम दिख रही है तो जिनका जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है वहाँ पे ऐसा देखेगा, इसीलिए मदरसन सुमी भी लिया हमने, इन दोनों में प्रेशर देखने को मिलेगा तो यहाँ बेच के चलना चाहिए। तीसरा स्टॉक है IRCTC, ये सेल कॉल है मेरी। देखिए बहुत स्टॉक चला है, मैं बिजनेस एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, केवल प्राइस मोमेंटम, बहुत ज़बरदस्त रैली से स्टॉक में दिखाई है, और कल इसमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हकीकत ये है कि देखिए अभी उतनी ट्रेनें उन्हें चल नहीं रही हैं, ये स्टॉक क्यों चल रहा था, लोग हो सकता अगले 4 साल का फ्यूचर देख के चला रहे हो, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन जब मार्केट में वीकनेस आती है तो ऐसे ही स्टॉक की ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रैली बनती है। मुझे लगता है IRCTC को रडार पर रखिएगा, ये स्टॉक यहाँ से भी और कमज़ोर 2025-2026 की डिस्काउंटिंग जस्टिफिकेशन में एक्चुअली मतलब ठीक है डिस्काउंटिंग करिए, लेकिन इतना भी आगे मत चले जाइए। अच्छा दो और बाय, दो नहीं एक बाय कॉल और है, जिंदल वर्ल्ड वाइड 91-92 हाईज, तो ये हाईज से बहुत ज्यादा दूर है नहीं, ध्यान रखिएगा। प्रमोटर अमित अग्रवाल साहब ने एडिशनल 1 लाख शेयर्स और खरीदे, सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ, स्टॉप लॉसेस देखिएगा स्क्रीन पर, ये कल की क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस है, आज थोड़ा सा गैप अप मिल गया तो उस हिसाब से रीएडजस्टमेंट करिएगा सारे स्टॉप लॉसेस का, और फिर ट्रेल करने के मौके ढूंढिएगा। इकलौता सेल कॉल है, और ये सेल कॉल मेरे ख्याल से इनसे कम्पीट करने के लिए ज्यादा है, आपके सेल करने के लिए नहीं है क्योंकि ये शायद गैप डाउन के साथ खुले SBI कार्ड्स पर ओवरहैंग बना हुआ है, ये दिक्कत वाली बात है, एक बार ओवरहैंग छटेगा तो SBI कार्ड्स के प्रेशर में, वैसे भी इंश्योरेंस मुझे लगता है लॉन्ग जेस्टेशन वाला धंधा है, इसको ऐसे रोज का देखने का नहीं आकलन, नीचे मिलता है तो एक्यूमुलेट करने का। SBI लाइफ में दरअसल आज सेल कॉल इसलिए दे रहा हूं, CA रोवर होल्डिंग्स यानी कार्लाइल एशिया वो आज फिर से 3.2 करोड़ शेयर्स 3.4% स्टेक बेचने जा रहा है, तो जहां खड़ा है ये स्टॉक वहां से लेकर 1021 के भाव के बीच में इस बैंड में वो स्टेक सेल होता हुआ आपको नजर आएगा, तो बट ऑब्वियस था प्रेशर रहेगा, पर वो गैप डाउन के बाद हो सकता है रिकवरी वापस, पिछले कई बार जब ऐसा हुआ है वो गैप डाउन के बाद रिकवरी आई है दिन के दौरान ही, ध्यान रखिएगा इस बात का,
तो इसीलिए मैंने कहा था ये शायद आपके लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है, SBI कार्ड में बिकवा ली। अच्छा, अगला स्टॉक है मेरा इंडियन होटल्स। कल ये 10% चला था और वही थीम थी कि सब कुछ खुल रहा है, वीज़ा फ्री बटेंगे, घूमेंगे फिरेंगे लोग, फ्लाइट्स खूब चल रही, तो अच्छी बात थी उसमें स्टॉक चला। अंग्रेज आएंगे तो रहेंगे तो ताज में ना। अंग्रेज आएंगे तो ताज में, ITC मौर्या में, इन्हीं सब में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ऐसा नहीं कि खुलते ही सब हो गया, बहुत पहले से जब नॉर्मल था, कोविड नहीं था, तब भी कौन सा बहुत तीर मार लिया था इन्होंने। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेशनल बनना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब मार्केट में वीकनेस दिख रही थी, ये सारी बातें हो सकता कल मैं फिर से इसमें आपको कहूँ लाऊँ, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट इस समय कमज़ोर है, वीक है, तो जहाँ पे प्रॉफिट लोगों को मिल रहा होगा वहीं गिरावट आएगी। इसलिए मैं कहना कि बिजनेस एनालिसिस बिल्कुल नहीं है, ये प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस है। तो आपको इंडियन होटल्स में भी आज बेच के फायदा कमाना चाहिए। दूसरा जो बड़ा सेक्टर है जिसपे मैं, मुझे लगता है कि गेंस होंगे, वो है IT सेक्टर। मिड कैप लार्ज कैप दोनों ही हमारी टीम में शामिल है। रीज़न एक तो ये है कि करेंसी आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही, डॉलर बहुत बढ़ता ही जा रहा, मजबूत हो रहा है, उसका बेनिफिट है। दूसरा, कुछ दिन पहले अगर आप कमेंट्री देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड दिखा दीजिए और TCS भी दिखा दीजिए, मेरा डिपेंडेबल है। कमेंट्री में राजेश गोपीनाथन की कमेंट्री आप सुनिए, उन्होंने कहा था कि इस पिछले 3-4 महीनों में मल्टी मिलियन डॉलर की डील्स तमाम कंपनियों ने की, सिर्फ उनकी नहीं, बहुत सारी कंपनियों ने की है। तो IT का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, डॉलर की मजबूती का फ़ायदा उठाना चाहिए, और अब रिजल्ट सिलसिला आने वाला है, तो उससे पहले आप देखिएगा इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनेंगे। मैं लगता है कि IT सेक्टर जो है खरीदारी करनी चाहिए, इसीलिए डिपेंडेबल तौर पर TCS और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों रखा है। ठीक है, सही आइडिया है, डिफेंसिस के थ्रू खरीदारी करना। कल FMCG अच्छा कर रहा था, IT शायद आज भी अच्छा करे। अब मैं थोड़ा सा ना उतर गया तलवार लेके, तो मैंने कर लिए मेटल्स लॉन्ग। कल तगड़ा प्रेशर बना था, तो अगर बाउंस बैक आना है तो मेटल्स में आएगा, और इनिशियली मिलेगा भी शायद स्क्रीन पे आपको, पर मुझे ये नहीं पता कि सेकेंड हाफ में वो बाउंस बैक कितना टिकेगा, वो डिपेंड करेगा निफ्टी का मूवमेंट। तो फिर इनिशियल बाउंस बैक अपनी जगह, उसके बाद देखेगा निफ्टी का मूवमेंट। अगर तो हमने वो थ्रेशोल्ड 500-550 का निफ्टी पर ब्रीच कर लिया तो बढ़िया मूव आएंगे, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो फिर ये सबसे पहले वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म करेगी। खैर, इतना बड़ा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी और मेटल आने हैं। हिंदुस्तान कॉपर पहला था उस कड़ी में, हिंदुस्तान कॉपर स्पेसिफिकली इसीलिए कि बड़ा ओवरहैंग वो OFS का खत्म हो गया भाई। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 के साल के हाईज, 195-196 साल के हाईज है, वहाँ से आधा हो चुका है। इस OFS का ओवरहैंग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, फाइनली वो कल्मिनेट हो गया है। सरकार ने 6-6.5% स्टेक बेच दिया है। मुझे लगता है अगर बाउंस बैक आया तो हिंदुस्तान कॉपर भी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, 114 तक के टारगेट्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक, आपका हो गया क्या? यस, ब्रेक ब्रेक के उस पर अगले दो स्टॉक्स। स्वागत है आपका IBEX कैश स्टूडियो से, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। इसमें भी दो मिड कैप IT कंपनीज है, बिरला सॉफ्ट और KPIT टेक, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। IT पे नजर रखिएगा, मुझे लगता है ये सेक्टर आपको कमाई करा सकता है क्योंकि परिस्थितियाँ इसके अनुकूल बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन मार्केट थोड़ा शुरू में देख लीजिएगा, अगर गैप डाउन होता तो और अच्छा मौका मिलेगा आपको खरीदारी करने के लिए, क्योंकि IT मुझे लगता है कि एक रैली बनेगी डॉलर और दुनिया भर की परिस्थितियों को देखते हुए, और रिजल्ट सीजन भी आने वाला है। परिस्थितियाँ तो मेरे वालों के लिए अच्छी नहीं है, खरीदारी लेकिन कर रहा हूँ। नहीं, मेटल में बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स में अगर लोअर सर्किट लगा था, टाटा स्टील में अगर बाउंस हुआ ना तो वही सबसे ज्यादा चलेगा, इसी उम्मीद पे। अब इसलिए मैंने कहा स्क्रीन पर शुरुआती टिक तो शायद हरे पे आए, इसका सस्टेन करे नहीं करे, क्योंकि अभी भी सरदार सामने है। वो एवरग्रांडे के जो रीपेमेंट्स हैं वो थर्सडे को स्केड्यूल्ड हैं। Yes. तो मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करेंगे, पर अगर बाउंस बैक आया और थोड़ा सा सस्टेन हो गया तो बढ़िया तेजी आ सकती है। तो टाटा स्टील है पहले तो स्क्रीन पर आपके, साथ में जोड़ लीजिए JSPL, दोनों में बहुत तगड़ा प्रेशर बना था, दोनों में अच्छा बाउंस बैक मिलना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर अगले दो स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब आ रही है आखिरी के दो स्टॉक्स, HCL टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। टेक सेक्टर में मुझे लगता है मजबूती रहनी चाहिए, और कैडिला हेल्थ केयर, इन्होंने अपने दो ब्रांड्स जो है बेचने के लिए एक कंपनी के साथ करार किया है, मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा सा एक मोमेंट आ सकता है यहाँ पे, वो भी बहुत ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए बहुत देख के आपको ट्रेड करना है। तो इस तरीके से आखिरी के दो स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। फाइनली दो सेल कॉल, उम्मीद ये करता हूँ कि ज़रूरत ना पड़े, लेकिन स्क्रीन पे अगर वीकनेस परसिस्ट कर रही होगी तो एक तो अरविंदो फार्मा और दूसरा पिरामल एंटरप्राइजेस, दोनों में जिस तरह का मोमेंटम लूज आउट हो रहा है, अगर बाजार
मूड बिगड़ा तो शायद थोड़ा सा सेल ऑफ एग्रीवेट, इसीलिए इन दोनों में बिकवाली करने का। चलिए क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। मंगलवार का दिन तो शुरुआत तो अच्छे नोट पे करिए। खरीदारी करने का मन था, कोलते पाटिल डेवलपर्स पहला स्टॉक था जहां पे प्रूडेंशियल फाइनेंशियल ने 5 लाख शेयर, यूएसी कंपनी ने 5 लाख शेयर खरीद लिए। कल अंबालाल सारोभाई कंटिन्यू होता हुआ तमाम पॉजिटिव टेलविंड के बीच। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम जहां पे ओपन ऑफर आ रहा है 74.50 रुपीज, बड़ा प्रीमियम कल की क्लोज पर। जिंदल वर्ल्ड वाइड में प्रमोटर्स ने लाख शेयर्स खरीदे। एसबीआई कार्ड में कार्लाइल दरअसल आज कुछ चंक बेचता हुआ नजर आएगा, 3.75% के आसपास एक नेचुरल ओवरहैंग बनेगा, लेकिन ये टीम के लिए ज्यादा है, शायद आपके लिए नहीं क्योंकि गैप डाउन के साथ ही शायद शुरुआत हो स्टॉक की, तो ट्रेड अवॉइड करिएगा। बाउंस बैक पर प्ले कर रहा हूं और मेटल्स वो पैक है जिसके थ्रू बाउंस बैक प्ले कर रहा हूं। थोड़ा सा दिक्कत अभी भी सामने है, ध्यान रखें मेटल्स के लिए चाइना स्लोडाउन को लेकर जो कंसर्न्स हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे और स्क्रीन्स पे वीकनेस आ रही हो तो छोड़ दीजिएगा सारे ट्रेड्स। हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, जेएसपीएल तीनों में खरीदारी करने का मन, और दो जाते जाते और सेल कॉल है। अगर बाजार मूड बिगाड़ता है थोड़ा सा, वापस सेल ऑफ आता है उस गैप अप के बाद, तो अरबिंदो फार्मा और पीएल दोनों में फिर थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ेगी। चलिए खरीदारी के साथ साथ बिकवाली वाले शेयर्स भी आ जाएं। शुरुआत के 4 शेयर जो है वो सेल साइड के हैं और उसमें बेचना चाहिए। इसमें टाटा मोटर्स और मदरसन सुमी है। ग्लोबली पिक्चर अच्छी नहीं दिख रही है तो इसलिए मैं लगता वहाँ पर प्रेशर आ सकता है। IRCTC और इंडियन होटल्स एक ड्रीम रन इन स्टॉक्स में आया है, यहाँ डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होगी क्योंकि आप जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुनाफा बनता है लोग वहीं पर प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन IT सेक्टर में मुझे लगता है कि एक आपको अलग से एक बढ़िया मजबूती देखने को मिल सकती है, तो खासतौर पर मिड कैप वाले में जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड है, KPIT टेक है, बिरला सॉफ्ट है। लेकिन इसके साथ साथ दिग्गज पर नजर रखिएगा TCS और HCL टेक में भी, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्रीज जो आई है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और रिजल्ट सीजन से पहले मुझे लगता है कि पोजिशन बनेंगी। आखिरी के 2 स्टॉक जिसमें कैडला हेल्थ केयर में डील की उन्होंने, उसकी वजह से भी खरीदारी करके चल सकते हैं।